हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि गोवा यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों ये नेक द्वारा एक्रीडिटेड यूनिवर्सिटी है। दोस्तों उन्होंने अपने फरवरी सेशन के लिए आवेदन मांगे हैं। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म 10 फरवरी से स्टार्ट हो गया था और इसकी लास्ट डेट 28 फरवरी रहेगी। दोस्तों यहाँ पर कुछ डेट दी हुई है जो आप देख लीजिए। उन्होंने लास्ट डेट अपनी 28 फरवरी बताई है और इंटरव्यू आपका 9 मार्च से 10 मार्च के बीच में होगा और जो इलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो 20 मार्च तक पता चल जाएंगे और आप 31 मार्च तक अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। दोस्तों एलिजिबिलिटी देख लीजिए। दोस्तों नॉर्मली एलिजिबिलिटी वही है, 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री के अंदर और 5% का रिलैक्सेशन रहेगा SC ST OBC नॉन क्रिमिनल वालों के लिए। और दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों इन्होंने कुछ ये CGPA वगैरह बताया है। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बताया कि कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि CSIR, UGC, NET, JRF, LECTRESSEE, DBT, JRF, SET, SLET, JEST, ICR, NET और कोई डिफरेंट लेवल का स्टेट का एग्जामिनेशन है या गेट है वैलिड स्कोर के साथ में, DST इंस्पायर फेलोशिप, MPhil डिग्री हो, आपकी रेगुलर मोड के अंदर होनी चाहिए, डिस्टेंस मोड वाली नहीं चलेगी। और दोस्तों इन्होंने बताया कि वो लोग भी यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे जिन्होंने 2021 और अगस्त 2022 का इस यूनिवर्सिटी का PET एग्ज़ाम दिया हो तो वो भी एग्जम्प्टेड रहेंगे और सीनियर सिटीजन भी एग्जम्प्टेड रहेंगे। इनका कुछ क्राइटेरिया है वो आप देख लीजिएगा यदि कोई हो तो। दोस्तों इन्होंने कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताए हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए और आपका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है वो चाहिए और ये आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी चाहिए, कोई EWS वगैरह एजेंसी है। दोस्तों ये एप्लीकेशन फीस उन्होंने बताई है यहाँ पर कि जनरल और OBC और EWS के लिए 600 रुपये रहेगी, SC ST के लिए 300 रुपये रहेगी और PWD वालों के लिए कोई फीस नहीं रहेगी। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस बताई है किस प्रकार से। इसमें बताया कि 70 और 30 का वेटेज रहेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम और 30 का इंटरव्यू, जिनमें कि 5% का रिलेक्शन रहेगा SC ST OBC नॉन क्रिमिनल वालों के लिए और PWD वालों के लिए, उनको भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर 5% का रिलेक्शन रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जिन कैंडिडेट ने नेशनल लेवल के कोई एग्ज़ाम पास की हो, MPhil, CSIR, NET, SET, JRF, LECTRESSEE, DBT, JRF, SLET, JEST, ICR, NET, GATE, GPAT, GUPAT, वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे और उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। और उनका यहाँ पर कुछ नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम बताया गया है कि उनको किस प्रकार से नॉर्मलाइज किया जाएगा एंट्रेंस टेस्ट वालों के साथ में। यहाँ पर कुछ बताया है, क्राइटेरिया भी बताया है किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है इनका, ये MPhil वाले किस प्रकार से काउंट होंगे, ये आप आगे देख सकते हैं। दोस्तों जो एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जितने मार्क्स लेके आता है वो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स ही काउंट माने जाएंगे, वो सेम ये उनके लिए है जो एग्जेम्प्टेड है, तो आप ये देख लीजिएगा। दोस्तों इन्होंने कुछ सब्जेक्ट भी बताए हैं कि किन किन के लिए इन्होंने आवेदन निकाले हैं। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है कि किस असिस्टेंट प्रोफेसर के अंडर में कितनी सीटें खाली हैं और किस सब्जेक्ट के लिए खाली हैं, तो ये आप देख सकते हैं। लैंग्वेज लिटरेचर के लिए, सोशल साइंस के लिए, ये किस प्रकार से सीटें की संख्या बताई गई है और उनके प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ में, ये आप देख सकते हैं वो सब्जेक्ट दिए गए हैं यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों आप हमारी वीडियो को कृपया करके पूरा देखिए कीजिएगा क्योंकि आप पूरा वीडियो को नहीं देखते हैं जिसके कारण हमारी वीडियो की रीच रुक जाती है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों ये आप देख सकते हैं अच्छे से। यदि दोस्तों आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर सीट रिजर्वेशन के हिसाब से ही बताई है कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी सीटें खाली हैं, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इन सीटों को देख लीजिएगा आप अप्लाई करते वक्त, जो कि बेटर रहेगा। और दोस्तों यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं PhD से रिलेटेड अपडेट के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।